बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का 11th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रोजेक्टिव टेस्टिंग्स, पर्सनैलिटी को लेकर हम किस तरह प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम पर्सनैलिटी का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला टेस्ट डिस्कस किया वो था रॉर्शाह इंक ब्लॉट्स टेस्ट। फिर हमने एक देखा रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। आज हम एक और प्रोजेक्टिव टेस्ट देखेंगे, काफ़ी फेमस टेस्ट है और ये आप लोग का प्रैक्टिकल पार्ट का भी होगा। आप लोग इसकी एडवांस स्कोरिंग तो नहीं करेंगे लेकिन इसकी आप बेसिक स्कोरिंग करेंगे, बेसिक इंटरप्रिटेशन आप लोग के लिए रिक्वायर्ड होगी। आप लोग इसको एडमिनिस्ट्रेट भी करेंगे और इसके ऊपर रिपोर्ट भी लिखेंगे। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, TAT के नाम से फेमस है। इसमें अगर इस टेस्ट के नाम में ही देखें तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल सकता है कि थीम्स हैं, थीम्स को अंडरस्टैंड करना है जो पर्सनैलिटी के बारे में हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे अंडरस्टैंड करने में, क्या थीम्स आ रहे हैं, किस चीज़ के थीम्स हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये टेस्ट है क्या और बना कैसे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सो ये टेस्ट जो रॉर्शाह का टेस्ट था उनके बाद ये टेस्ट आया, और रॉर्शाह के बाद अगर कोई टेस्ट, कोई प्रोजेक्टिव टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट ही यूज़ किया जाता है, TAT ही यूज़ किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस करवाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ पर दो पर्सन थे, एक मेल फीमेल, क्रिस्टियाना मॉर्गन और हेनरी मरे ने थ्योरी दी थी अपनी, थ्योरी ऑफ नीड्स, उसकी बेस पर ये सारा टेस्ट डेवलप हुआ है और इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। रॉर्शाह जो टेस्ट है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, लेकिन ये टेस्ट जो है हम क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। हेनरी मरे ने जो अपनी नीड थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कुछ नीड्स आइडेंटिफाई की थी और कुछ प्रेसेस आइडेंटिफाई किए थे। नीड्स उनके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ है जो सब लोगों में पाई जा रही होती है लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। जैसे अचीवमेंट की नीड सब लोगों में पाई जाती है लेकिन कुछ लोगों में इसका लेवल हाई होगा और कुछ लोगों में कम होगा। एग्रेशन की नीड पाई जाती है, ज़्यादा होगा या कम होगा, नीड्स की बेस पर वो उन्होंने डिवाइड किया इस चीज़ को। काफ़ी नीड्स हैं, 28 के करीब नीड्स हैं, ये हम 7 फाइल है, इसमें हम सारी नीड्स और प्रेसेस को भी ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं वो, इन नीड से क्या मुराद है, एग्रेशन वाली नीड है तो क्या मुराद है। फिर कुछ प्रेसेस हैं, प्रेसेस से मुराद ये है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, ये है, ये भी है एक प्रोजेक्टिव टेक्निक। इस प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, एक आपको मैं दिखाता हूँ, ये किस तरह का एक कार्ड है, जैसे ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह के मिलते जुलते तकरीबन 30 कार्ड होते हैं मुख्तलिफ तस्वीर के साथ, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के साथ। हम वो एक एक करके एडमिनिस्टर करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स पे और उनसे कहते हैं कि इसके रिलेटेड आप लोग स्टोरी जनरेट करें, फिर हम उस स्टोरी से थीम्स निकालते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं कि इस पर्सन की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी क्या है, क्या हम कोई साइकोपैथोलॉजी देख सकते हैं या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमें इनकी स्टोरीज़ में नज़र आ सकती हैं। सो हम पहले थोड़ी सी इसकी बायोग्राफी कंप्लीट कर लें, फिर हम इसकी सारी, इसके स्ट्रक्चर को, इसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो भी देखते हैं वो क्या है। अच्छा, प्रेसेस में देखें तो प्रेसेस में भी एक्विजिशन है, रिटेंशन, लैक, लॉस, रिजेक्शन, डोमिनेंस, एग्रेशन एंड एट्सेट्रा, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम देखेंगे, आज ही देखते हैं नीड्स भी और प्रेसेस भी, ये क्या चीज़ें हैं। फिर अब ऐसा है कि इनकी जो नीड्स हैं, एक एक नीड्स के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई हुई हैं, अचीवमेंट की नीड के ऊपर, एक्विजिशन के ऊपर, डोमिनेंस के ऊपर, इन एक एक नीड्स के ऊपर इतनी रिसर्चेज हुई हुई हैं कि इसको अच्छा खासा उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। रॉर्शाह के अगेंस्ट या रॉर्शाह के मुकाबले में TAT को साइंटिफिक कम्युनिटी ने ज़्यादा वेलकम किया, क्योंकि रॉर्शाह की थोड़ी सी स्कोरिंग, उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का सिलसिला मुख्तलिफ था, इसका भी डिफ़िकल्ट है, इसका भी एज सच क्वान्टिटेटिव प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन
इसकी स्कोरिंग को या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी हद तक रिलायबल कंसिडर किया गया एज़ कम्पेयर टू रोडशा। रोडशा के अलावा अगर कोई यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी में, तो ये टेस्ट हम देखते हैं। या थर्ड नंबर पे ड्रा पर्सन या एसटीपी हाउस ट्री पर्सन, वो भी हम देखेंगे टेस्ट, वो यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, फिर आगे है जी, कैन बी यूज इन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सेटिंग। जी बिल्कुल, आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस में तो भी कर सकते हैं, आप जस्ट असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं नॉन क्लिनिकल सेटिंग में तो भी आप लोग इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे पास प्रॉपर अगर इसकी ट्रेनिंग हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके स्टिमुलाय में यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मैंने आपको बताया 30 पिक्चर्स होती हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की। ब्लैक एंड वाइट कलर में यानी कि ये एक तस्वीर है इस तरह की, और 30 पिक्चर्स होती हैं डिफरेंट एजेस के लिए हैं, वो देख लेते हैं क्या है। एक ब्लैंक कार्ड होता है 30 पिक्चर्स के साथ, एक ब्लैंक कार्ड होता है। ब्लैंक कार्ड से मुराद यानी बिल्कुल वाइट कार्ड होता है, उस पर कोई तस्वीर नहीं बनी होती, हम वो भी एडमिनिस्टर करते हैं। सो 30 पिक्चर्स में कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो सिर्फ मेल हजरात के लिए हैं, एडल्ट मेल हजरात के लिए, उनके साथ ऊपर एम लिखा होता है। कुछ फीमेल्स के लिए हैं, एडल्ट फीमेल्स के लिए, यानी आपके पास अगर पार्टिसिपेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर मेल है तो आप उस पर फीमेल वाला कार्ड एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, आप उस पर मेल वाला कार्ड एडमिनिस्टर करेंगे। 30 में से कुछ कार्ड मेल वाले हैं, कुछ फीमेल वाले हैं, कुछ बच्चों वाले हैं बॉयज़ वाले, कुछ गर्ल्स वाले हैं यानी लड़कियों वाले, कम उम्र वाले लड़कियों वाले, फिर कुछ कम्बिनेशन में हैं, यानी ऐसे कार्ड भी होंगे कुछ जो बॉयज़ में भी और मेल में भी अप्लाई हो जाएंगे, गर्ल्स में भी और फीमेल्स में भी अप्लाई हो जाएंगे, और कुछ एक दो कार्ड ऐसे भी हैं जो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट कार्ड ही है, आप लोग को फर्स्ट कार्ड मैं बताऊंगा कौन सा है, बच्चा बैठा हुआ है वायलिन के सामने, तो वो कार्ड ऐसा है जो हम किसी भी एज के मेंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका स्टिमुलाय, ठीक है, ये इसका स्टिमुलाय हो गया, और एक ये एक कार्ड हो गया। अब ये देखें, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है क्या चीज़ है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या करना है इस कार्ड को देखकर। सो ये प्रोजेक्टिव इसलिए भी है कि हम जब पर्सन को कहेंगे कि इसके रिलेटेड स्टोरी जनरेट करे और एक्सप्लेन करे कि क्या चीज़ चल रही है या क्या हो रहा है, या वो इस इवेंट को किस तरह से बताता है, तो इनडायरेक्टली वो अपनी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं या अनकॉन्शियसली उसकी जो स्टेट्स चल रही हैं, हमें इन स्टोरीज़ के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी हेल्प मिलती है। हम स्टोरीज़ की स्कोरिंग को कैटेगराइज करते हैं 4-5 तरीकों से, फिर उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, और काफ़ी हद तक हम वैलिड गेस भी कर लेते हैं लोगों की पर्सनैलिटी को लेके। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं नीड्स और प्रेसिस को, पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नीड्स और प्रेसिस क्या हैं। नीड्स जो हैं जी, उसमें हम देखते हैं इंटेंसिटी क्या है किसी एक नीड की, ड्यूरेशन क्या है और फ्रिक्वेंसी क्या है, और प्रेसिस क्या है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट इंटरफेयर विद और फैसिलिटेट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वेरियस नीड्स। थीम्स क्या हैं जी, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का थीम तो नहीं स्टोरी आ रहा, आउटकम क्या आ रहा है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ी सी नीड्स देख लेते हैं कि नीड्स क्या हैं और प्रेसिस क्या हैं। जैसे सबसे पहले नीड्स, मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज नॉलेज क्रिएटिविटी, ये कैटेगराइज की हुई है नीड्स। हम एक एक करके देख लेते हैं कि इस नीड से पर्टिकुलरली मुराद क्या है। अगर हमें स्टोरीज में नज़र आता है कि नीड ऑफ अचीवमेंट, स्मॉल एन से हम उसको डोनेट करेंगे, स्मॉल एन डॉट, फिर आगे हम अचीवमेंट लिख देंगे जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, स्कोरिंग कर रहे होंगे। तो नीड ऑफ अचीवमेंट अगर हमें स्टोरी में नज़र आ रहा है तो वो किस तरह हमें नज़र आ रहा होगा कि टू वर्क टूवर्ड अ गोल विद एनर्जी परसिस्टेंस एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, यानी कहीं पर हमें नज़र आ रहा है उनकी स्टोरी में ये शो हो रहा है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर वन सेल्फ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली टूवर्ड रियलाइजिंग दीज स्टैंडर्ड्स, टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और मास्टर्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स सिचुएशन, यानी स्टोरीज में हमें एक ये थीम, एक ये एलिमेंट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज में नीड ऑफ अचीवमेंट की झलक नज़र आ रही है कि कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ अक्वायर करना चाह रहे हैं, कुछ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर उनका एक्टिव है। फिर एक्विजिशन,
एक्विजिशन से क्या मुराद है, क्या ये सोशल लेवल पर है या ये सोशल लेवल पर है? टू वर्क फॉर मनी, मटेरियल पोजेशन और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, आर डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक मोबिलिटी, टू बारगेन और गैम्बल, ग्रीड और एक्विजिटिवनेस, या ये सोशल लेवल पर टू स्टील, यानी अडेप्टिव लेवल पर आ रही हैं या अनअडेप्टिव लेवल पर एक्विजिशन की नीड आ रही है? फिर एग्रेशन है, एग्रेशन किस तरह का शो हो रहा है स्टोरीज में? फिजिकल लेवल पर है, इमोशनल लेवल पर है, वर्बल लेवल पर है, यानी फाइट का एलिमेंट नज़र आ रहा है हमें उसमें। कंस्ट्रक्शन की नीड है, टू ऑर्गेनाइज, बिल्ड, क्रिएट और प्लेस समथिंग इन न्यू ऑर्डर। काउंटर एक्शन है, टू मेक अप फॉर प्रीवियस फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट। प्रीवियस यानी स्टोरी में कोई ऐसा थीम नज़र आ रहा है कि कोई रिग्रेट है या कोई गलती है, उसको फुल उसको उसकी उसको कंपनसेट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, ओवर कंपनसेशन की तरफ जा रहे हैं। या डोमिनेंस है, कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हर चीज़ को मास्टरफुल होना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में अथॉरिटेटिव होना चाहते हैं। एक्सपोजिशन है, टू रिलेट इंफॉर्मेशन इन एन इंट्रूसिव और इंफॉर्मेटिव मैनर, टू एक्सप्लेन, लेक्चर, इंटरप्रेट, ये व्हाट्स एवर, ये कुछ नीड्स हैं। फिर नीड्स मोटिवेटेड बाय अफेक्शन, एडमायरेशन, सिंपथी, लव, यानी एफिलिएशन की नीड है, डेफरेंस की नीड है, डेफरेंस से मुराद कंप्लायंस है, क्विक टू एग्री और कॉपरेट। फिर नर्चरेंस की नीड है, टू गिव समथिंग सिंपथी और टू ग्रेटिफाई द नीड्स ऑफ अनदर। सेक्स की नीड है, टू हैव और अटेम्प्ट टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, टू मेक सेक्सुअल एडवांसेस टुवर्ड्स और सड्यूस, इंजॉइंग द कंपनी ऑफ मेम्बर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स और टू वॉर्म द पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टेड, बींग फॉन्ड ऑफ मिक्स पार्टीज एंड डांसिंग, टू फॉल इन लव। दिस मे कॉमनली बी फ्यूज विद एन एफिलिएशन, एन एफिलिएशन मतलब यही नीड ऑफ एफिलिएशन। सो फिर सकरेंस है, अटेंडेंसी टू क्राई, प्लीड, आस्क फॉर हेल्प, फीलिंग हेल्पलेस, इस तरह करके ये कुछ नीड्स हैं। फिर आगे नीड्स देखते हैं जी, मोटिवेटेड बाई डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, चेंज, एक्साइटमेंट, ऑटोनॉमी की नीड है, या ट्रैवल की है, एडवेंचर की नीड है, ये सारी नीड्स कैटेगराइज हुई है। प्ले की नीड है, फिर डिफरेंट नीड्स हैं, बेसमेंट है, ब्लेम अवॉइडेंस, कॉग्निगेंस। कॉग्निगेंस क्या है जी? कॉग्निगेंस है जी टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी, यानी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को समझना चाहते हैं, डिडक्टिवनेस की ट्रेट्स आ रही हैं। सो ये कुछ हम नीड्स स्टोरीज की बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। रिजेक्शन की नीड्स तो नहीं है, रिटेंशन की, सेंशियंस की तो नहीं है नीड। फिर उसके अलावा कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रेसेस हैं हम देखते, जैसे एक्विजिशन एक नीड भी है और प्रेस भी है। कैसे? अ पर्सन वांट्स टू डिस्पोजेस द हीरो हीरोइन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी और रोब और स्वेंडल हिम और हर। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर इन बिजनेस थ्रेटन द हीरो और हीरोइन। अब ये इन्वायरमेंटल प्रेशर आ रहा है कि हीरो के ऊपर किस तरह का प्रेशर है, क्या उसको थ्रेट किया जा रहा है। रिटेंशन है, पर्सन रिटेन समथिंग द हीरो हीरोइन वांट्स। अच्छा, रिफ्यूज टू लेट इट गो और गिव इट समथिंग टू द हीरो। अब ये जितनी नीड्स हैं और जितने प्रेसेस हैं, इनकी एक दो दफ़ा तो हमें रीडिंग करनी पड़ती है अंडरस्टैंड करने के लिए, बल्कि दो से ज़्यादा दफ़ा करनी पड़ती है रीडिंग। उसके बाद फिर इसको रिलेट करना TAT के साथ, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस हमें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है करना। कैसे? जब हमारे पास सामने स्टोरीज आती हैं तो हम फिर उसके हिसाब से एक एक स्टोरी को लेकर उसमें से नीड आइडेंटिफाई करते हैं, हीरो करेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, सारी हम उसकी स्कोरिंग देखते हैं। किस तरह हम फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कौन सी नीड्स जो हैं वो 10 स्टोरीज में फ्रिक्वेंटली आ रही हैं, किस में ज़्यादा इंटेंसिटी पाई जा रही है। सो हम थोड़ी सी इसकी स्कोरिंग का भी देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पहले शुरू में 20 कार्ड दिए जाते थे ओरिजिनल इसका जो सेट था, लेकिन अब प्रैक्टिस में एक्चुअली 10 कार्ड ही दिए जाते हैं। 20 कार्ड जब स्टार्ट में शो किए जाते थे वन बाय वन, तो उसमें ये होता था कि 2 सेशंस में हम कर रहे होते थे, 50 मिनट का टाइम होता था, 10 मिनट में 10 कार्ड देने होते थे एक सेशन में, फिर दूसरे सेशन में हम 10 कार्ड देते थे, इस तरह 20 कार्ड हम कंप्लीट करवाते थे। लेकिन अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है कि हम मोस्टली 10 से 12 कार्ड्स देते हैं, 10 कार्ड ही ज़्यादातर दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक कार्ड। ब्लैंक कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो हम लाजमी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और फिर जब हमारे सामने हमारा सब्जेक्ट आके बैठ जाता है, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो, जैसे ये हेनरी मरे की खुद की अपनी वर्डिंग है कि किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जनरली भी मैं बता दूंगा कि हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, लेकिन पहले हेनरी मरे की ये इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं वो क्या देते हैं।
जी वो कह रहे हैं जी आई एम गोइंग टू शो यू, यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका सब्जेक्ट आके बैठ गया, आपके पास सारा मटेरियल रेडी है, आपने कार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि मेल पार्टिसिपेंट है तो कौन से कार्ड होंगे, फीमेल पार्टिसिपेंट है तो कौन से हैं, बच्चा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपने कार्ड्स का एक ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया है। वन बाय वन सारे आप कार्ड शो करेंगे। अब पहला कार्ड जब आप शो करने लगे हैं उससे पहले क्या होगा, आप ये इंस्ट्रक्शन उन्हें देंगे कि आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स वन एट अ टाइम एंड योर टास्क विल बी टू मेक अप एज ड्रामेटिक अ स्टोरी एज यू कैन फॉर ईच, यानी हर कार्ड के साथ क्या है एक स्टोरी आपने बनानी है। ऐसा नहीं है एक कार्ड को पीछे वाले कार्ड के साथ आप रिलेट करें कि वहाँ पर ये था तो यहाँ पर ये है, वो दोनों इस तरह से मिलते हैं, ये नहीं। एक कार्ड के ऊपर आपका फोकस होगा, वन बाय वन चलते जाएँ, आगे हम देखते जाएंगे वो क्या स्टोरी देते हैं। टेल वट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन इन द पिक्चर, यानी इवेंट ये तस्वीर जैसे देखें, अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं जी ये यहाँ तक कैसे बात आई है, ये क्या सिचुएशन है, इसका पास्ट क्या है। एक चीज़ टेल वट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन इन द पिक्चर, डिस्क्राइब वट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट, फिर प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, यानी यहाँ तक कैसे लोग आए हैं करेक्टर, अब प्रेजेंट क्या है, अब क्या हो रहा है, एंड देन गिव द आउटकम, अच्छा व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट एंड व्हाट द करेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, अब ये करेक्टर्स सोच क्या रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, इनके इमोशंस क्या हैं, वो एक्सप्लेन करें, देन गिव द आउटकम, और फिर बताए कि एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या इस कहानी से इसके बारे में क्या खुलासा वो निकालते हैं, क्या नतीजा निकलेगा। यानी यहाँ पर अगर अपेरेंटली देखें तो तीन करेक्टर हैं, एक एक लग रहे हैं जी कोई काम कर रहे हैं, एक कहीं स्कूल जा रही हैं, एक लुक आफ्टर कर रहे हैं, व्हाट्स एवर जो भी यहाँ पर भी है। अब ये कोई फील्ड का ही यानी कोई खेत वगैरह या कोई अर्बन साइड का ही इन्वायरमेंट लग रहा है जिसमें तीन डिफरेंट करेक्टर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक मेहनत करने की तरफ जा रही है, एक दूसरा भी मेहनत कर रहा है, मेहनत तो तीनों ही कर रहे हैं लेकिन तीनों की अप्रोच डिफरेंस है, तो एक में एक्सपोजिशन की नीड पाई जा रही है या अचीवमेंट की नीड पाई जा रही है, किस सेंस में कि वो स्कॉलरली लेवल पर चले जाए, कुछ पढ़ लिख ले, एक में नर्चरेंस की पाई जा रही है। सो इसमें अब स्टोरी क्या बनाएंगे, वो यही बनाएंगे, आप उनसे यही पूछेंगे कि आप बताओ कि ये क्या सीन आपको समझ में आता है, इसका पास्ट क्या होगा, अभी प्रेजेंट में इस टाइम ये जो तीनों हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, फिर आगे क्या होगा, ये स्टोरी एंड कैसे होगी, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है एक एक कार्ड को लेकर। इस तरह के 10 कार्ड होते हैं तो 10 कार्ड्स की हमें डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं, और एक कार्ड पर दो लोग डिफरेंट स्टोरी देते हैं, बहुत कम होता है कि बहुत कम क्या होता ही नहीं है कि दो लोग एक कार्ड पर सेम स्टोरी दे रहे हो। अच्छा फिर आगे क्या बता रहे हैं जी, डू यू अंडरस्टैंड सिंस यू हैव 50 मिनट्स फॉर 10 पिक्चर्स यू कैन डिवोट अबाउट 5 मिनट्स टू ईच स्टोरी, यानी 5 मिनट एक कार्ड पे आप लगाओगे, इससे ज़्यादा आप कोशिश करो ना लगाएं। हाँ अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी एक पिक्चर पे ज़्यादा टाइम ले रहा है या किसी सिचुएशन पे ले रहा है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि उसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई ना कोई अनकॉन्शियस लेवल पर कन्फ्लिक्ट काम कर रहा है। अच्छा फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है जी, जो एग्जामिनर है यानी आप लोग हैं वो रिकॉर्ड करेंगे जो स्टोरी वो बता रहा है, आप साथ साथ लिखते जाएंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते जाएंगे, या एक तरीका ये भी होता है कि आप लोग कार्ड दिखाएं और उन्हें कहें कि वो स्टोरी लिख लें, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो फिर वो सब्जेक्ट जो हैं वो थक सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर ये होता है कि आप उनसे पूछते जाएँ स्टोरी और उसका क्रक्स लिखते जाएँ या उसकी वर्डिंग ही लिख दें वर्ड बाय वर्ड, वो भी बेहतर रहती है। फिर एग्जामिनर आल्सो रिकॉर्ड्स द रिएक्शन टाइम, अब रिएक्शन टाइम भी देखते हैं कि द टाइम इंटरवल बिटवीन इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्ड एंड द सब्जेक्ट्स फर्स्ट रिस्पांस, यानी ये कार्ड शो करवाया और उसके ऊपर उसने स्टोरी कितनी देर में लिखी है, पहला रिएक्शन क्या दिया, उसने कितनी देर लगा के रिएक्शन दिया, कार्ड देख रहा है 2 मिनट लगे हैं 1 मिनट लगा है, वो रिएक्शन टाइम में आ जाता है। बिकॉज ईच कार्ड इज डिजाइन टू एलिसिट इट्स ओन थीम्स नीड्स एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड एबनॉर्मली लॉन्ग रिएक्शन टाइम में इंडिकेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी एक कार्ड पर अगर स्टक हो गए हैं, कोई समझ में नहीं आ रही,
बात तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये अक्सर ब्लैंक कार्ड के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो ब्लैंक कार्ड है बिल्कुल सिंपल उसमें ये प्रॉब्लम हमें देखने में आती है कि लोग स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या बात करें क्या लिखें। और वहाँ पर एग्जामिनर का रोल सेम ही रहता है, एग्जामिनर लास्ट में ही यूजली वो कार्ड शो करवाता है ताकि उसमें कोई अनएम्बिगुअस स्टिमुलाई भी ना रहे और टोटली एक तरह की पर्सन की अनकॉन्शियस जो है वो वहाँ पर रिवील हो जाए, उसका अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाए, अनकॉन्शियस जो उसकी इंटेंशंस हैं वो सामने आ जाए। फिर इंटरप्रिटेशन है, अब इसकी भी रोरशाह की तरह काफ़ी स्कोरिंग बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग बनाई गई है, इसकी भी स्कोरिंग सिस्टम है, तो मैनुअल भी इसका काफ़ी हैवी सा है और इसकी क्वांटिफिकेशन भी की जाती है, स्कोरिंग की डिटेल्ड होती है काफ़ी स्कोरिंग। लेकिन आप लोग के लेवल पर ये होगा कि आप लोग इसकी क्वालिटेटिव स्कोरिंग ही करेंगे, बेसिक स्कोरिंग ही करेंगे, उसमें क्या आप चार पांच चीज़ों का ख्याल रखेंगे और उसी की बेस पर हम कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल मेथड्स ऑफ TAT इंटरप्रिटेशन टेक इनटू अकाउंट द हीरो नीड्स प्रेस थीम्स एंड आउटकम्स, यानी जितने भी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन सिस्टम अवेलेबल हैं उसमें सब में चार पांच चीज़ें कॉमन है, सब लोग ही हीरो को भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हीरो यानी अब यहाँ पर जैसे ये कार्ड देखें तो अगर आपने ये फीमेल पे किया अप्लाई तो क्या कहते हैं मे बी फीमेल इस लड़की को जो जिसने बुक पकड़ी हुई है इसको हीरो कंसीडर करे, हीरोइन कंसीडर करे और मेन लीडिंग कंसीडर करे और लीडिंग करेक्टर कंसीडर करे और इसी को आइडेंटिफाई करे। अब यहाँ पर अगर इसने इसको इस गर्ल को आइडेंटिफाई किया है लड़की ने तो इसका मतलब है दिस इज़ मेन हीरो और हीरोइन, इसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है। अगर मेल है तो वो शायद इस पर्सन को आइडेंटिफाई करे और फिर क्या होगा कि वो उसके लिए स्टोरी बाय स्टोरी चेंज हो रही है चीज़, पर्सन बाय पर्सन चीज़ चेंज हो रही है, तो हम हमारे लिए हीरो क्या होगा, मेल के लिए हीरो क्या होगा, ये पर्सन हो जाएगा, कोई एजिड है तो ये मदर लग रही है, ये वट्स एवर जो भी लग रही हैं तो वो उसके साथ भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये हम नहीं बताएंगे कि आप किसको आइडेंटिफाई करो किसके साथ देखो, टोटली सब्जेक्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी वो किस तरह से बताता है, क्या ये मेल है या फीमेल, क्या ये मेन करेक्टर है घर का या ये मेन करेक्टर है या ये मेन लीडिंग करेक्टर कौन सा है, एक से ज़्यादा करेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे ये तीनों को ही लीडिंग करेक्टर कह दें तो फिर इसमें क्या करते हैं, फिर इसमें हम ये देखते हैं कि स्टोरी कौन बता रहा है, स्टोरी टेलर कौन है तीनों में से, जो तीनों में से स्टोरी टेलर होता है उसको हम फिर मेन करेक्टर ले लेते हैं। अच्छा फिर नीड्स हैं, नीड्स बता दिया, यहाँ पर आप नीड्स अगर देखें तो एक की अचीवमेंट किया है, वर्क किया है, नर्चरेंस किया है, व्हाट्स एवर यहाँ पर अपेरेंटली नज़र आ रही है, लेकिन स्टोरी में क्या नीड आती है। फिर प्रेसिस हैं, प्रेसिस हैं बिल्कुल, प्रेसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं, फूड के रिलेटेड है, प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, सर्वाइवल के रिलेटेड है, एफिलिएशन है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमें हमें क्या हेल्प करेगी चीज़, स्टोरी, वर्बेटम ऑफ स्टोरी, उसके थ्रू हमें नीड्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी और प्रेसेस भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फिर थीम्स क्या हैं, थीम्स का मतलब हर स्टोरी का वो क्रक्स क्या बता रहे हैं, क्या खुशगवार तरीके से ऑप्टिमिस्टिक लेवल पर उस स्टोरी का वर्बेटम नज़र आ रहा है, यानी ये सारे लोग खुशगवार हैं हंसी खुशी खेल रहे हैं, या यहाँ पर कोई गम का आलम है और बड़े मुश्किलों से लड़की जो है दोबारा अब सेहतमंद होके अब जा रही है स्कूल की तरफ। एक एक कार्ड पर हम थीम देखते हैं, स्टोरी का थीम क्या है, डिप्रेसिव है, इंजॉय करने वाली है, एंशियस है, परेशान है, वट्स एवर, हम थीम्स देखते हैं एक एक कार्ड के ऊपर। फिर आउटकम्स क्या है, आउटकम यही कि स्टोरी को वो किस तरह से एंड कर रहे हैं, क्या करेक्टर जो है वो कामयाब हो रहा है, क्या हीरो कामयाब हो रहा है, हीरोइन कामयाब हो रही है या फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब इनकी बेस पर क्या होता है, 10 कार्ड हैं, 10 कार्ड हमारे पास 10 स्टोरीज आ जाती हैं, हम हर एक स्टोरी की बेस पर नीड आइडेंटिफाई करते हैं, मेन करेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेसेस आइडेंटिफाई करते हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जब ये 10 स्टोरीज की बेस पर 10 मिनिमम 10 और इससे ज़्यादा जब चीज़ें निकल के सामने आने लग जाती हैं तो फिर हमें रिलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने साथ में पहले इनकी हिस्ट्री भी ली होती है थोड़ी सी, हम जिस दिन आप लोग जिस दिन उनके साथ सेशन करेंगे, जिस दिन उनके ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसकी, तो आप लोग पहले उन
आप लोग एटलीस्ट उनसे 2 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड करें, या हाँ 2 आवर्स का टाइम आप रिक्वायर्ड करें, 10 मिनट की आप उन्हें बेशक बेशक ब्रेक दे दें। 1 घंटे में आप थोड़ी सी उनकी ब्रीफ फैमिली हिस्ट्री, करंट साइकोलॉजिकल प्रेशर्स या इस तरह करके चीज़ें भी पूछ सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए। और फिर उसके बाद क्या है, जब आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा उस चीज़ को उनकी हिस्ट्री के साथ को रिलेट कर पाना। ये हमारा है जी मेनली TAT टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसके ऊपर मज़ीद काम भी हुआ है, और CAT भी बना है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट भी बना है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बना है। तो उसका सिर्फ अभी आप लोग के लिए नाम ही ठीक है, आप लोग उसका सिर्फ नाम ही अभी याद रखें, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। लेकिन मेनली ये जो है TAT जो टेस्ट है ये यूज़ होता है, और इसकी बेस पर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हमें लर्निंग हो जाती है। अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमें, कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। और फिर उसके अलावा ये है कि साइकोमेट्रिक लेवल पर भी आप लोग की स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, प्रोजेक्टिव टेस्टिंग को लेकर हम काफ़ी इजी फील करने लग जाते हैं। और ये इसकी स्कोरिंग जब हम एडवांस लेवल पर देखते हैं, यानी आप लोग जब अगर आप लोग MS में जाएंगे या MPhil में अगर आप लोग को शायद कोई पढ़ाए, MS में तो पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर जब आप पूरे मैनुअल के थ्रू इसकी स्कोरिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर क्या है नज़र आएंगी काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें, कि किस तरह से एक स्टोरी की हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, एक कार्ड की हम किस तरह से कितनी डिटेल्ड स्क्रूटनी करते हैं, और उसके बाद क्या हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अभी आप लोग के लिए सिर्फ ये है कि आप लोग अभी क्लिनिकल जजमेंट की बेस पर इसकी क्वालिटेटिव स्कोरिंग करें, क्वालिटेटिव स्कोरिंग करेंगे। क्वांटिटेटिव में हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज दे देंगे कि 10 कार्ड्स में क्या फ्रीक्वेंसी रही है नीड की, एक कोई पर्टिकुलर नीड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या एक नीड बार बार रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हम इस तरह करके कुछ कर लेंगे। वो मैं फॉर्मेट आप लोग के साथ जल्द शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको पढ़ें। उसी बुक से हमने पढ़ा है, ग्रेगरी की बुक है, और एक दूसरी बुक है कैपलन की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, वहाँ से हमने ये मैंने बनाया है। तो आप लोग नेट पे ये इनके कार्ड्स भी मिल जाएंगे, सारे फ्री में ही मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग, मैं आप लोग के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर लें तस्वीर। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का पहला तरीका तो ये है कि आप लोग अगर ख़ुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 एक दूसरे पर अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लें, फॉर एकेडमिक पर्पजेज ओनली। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि आप लोग अपने रियल पार्टिसिपेंट्स पे एडमिनिस्टर करें और उनकी स्टोरीज़ को फिर इंटरप्रेट करके देखें कि क्या सामने अंडरस्टैंडिंग आती है। सो ये रहा हमारा थेमेटिक का परसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट में हम फिर कुछ एक दो और देखते हैं टेस्ट हमारे कौन से हैं, फिर हमारा इस तरह पर्सनैलिटी का पार्ट भी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।